आज मैं शेयर कर रही हूँ अरबी की डंठल की सब्जी। इसे बनाने का बहुत सारा तरीका है, पर आज मैं बहुत ही सिंपल तरीका शेयर करूंगी आप लोग से। इसे मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। इसके रेशे को आप इस तरह से निकाल लें, ये बहुत आसानी से आराम से निकल जाएगा। एक चाकू की सहायता से आप इस तरह से रेशों को निकाल लें। रेशे मैंने निकाल लिए हैं, अब मैं इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रही हूँ। सारी डंठल को मैंने अच्छे से कट कर लिया है और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। आइए अब चलिए मैं इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मैंने लिया है एक कढ़ाई, कढ़ाई मेरा हीट हो चुका है। अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल 2 बड़ा स्पून। ऑयल मेरा हीट हो चुका है, अब मैं डंठल ऐड कर रही हूँ। अब इसे आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। डंठल की सब्जी में ऑयल बहुत कम मात्रा में यूज किया जाता है। अब मैं इसे ढककर 3 से 4 मिनट कुक करूंगी। इसे चेक कर लेती हूँ, 3 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून नमक स्वाद अनुसार आप डालें और इसे आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। बाहर से मैंने कोई पानी यूज नहीं किया है, डंठल ने खुद का पानी छोड़ा है, उसी से डंठल पक जाएगी मेरी, गल जाएगी। इसे मैं बहुत सिंपल बना रही हूँ, इसमें मैं कोई मसाले यूज नहीं करूँगी। बस मैंने इसमें हल्दी पाउडर और नमक यूज किया है और मैंने ये 1/2 नींबू लिया है। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब मैं इसमें 1/2 नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह मिक्स कर ले। डंठल सॉफ्ट हो गई है मेरी, इसे मैं और बस 5 मिनट कुक करूंगी। नींबू आप जरूर डालें, इससे सब्जी का स्वाद बहुत बढ़ जाएगा, इसका खट्टापन सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़ा देता है। इस खट्टेपन से सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। सब्जी मेरी बिल्कुल रेडी है, आप इसे किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, रोटी चावल पराठा। आपका जब भी सिंपल खाने का मन करे तो आप इस तरह से जरूर ट्राई करें, आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।